फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, पाठ संख्या 2 नैतिक शिक्षा का, गायत्री मंत्र का महत्व। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें गायत्री मंत्र को पहले लिख लेना है, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। उसके बाद उसके अर्थ को लिख लेने हैं, हे रक्षक सर्वाधार दुख विनाशक सुखदाता प्रभु स्वयं प्रकाशमान, आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर ले चले या सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। ऐसे हम लोग लिख लेंगे इसके अर्थ का, तो यानी पहले प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? उसके बाद प्रश्न संख्या दो कहता है कि वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है। वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है, आयु प्राण प्रजा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति हम फिर से कर रहे हैं, आयु प्राण प्रजा पशु द्रव्य कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 9 यानी पृष्ठ संख्या 9 पर सेकंड पैराग्राफ में ये आपके लिखे हुए हैं। सेकंड पैराग्राफ महत्व का, सेकंड पैराग्राफ का पहले लाइंस को देखिए, इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है, आयु प्राण प्रजा पशु द्रव्य कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। ये आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को भी दिक्कत? सर बोलो। सर मेरा दूसरा का 2 का ये नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताओ? मेरा लिखा हुआ है वेद ने इस मंत्र को द्विजों को पवित्र करने वाला और आयु प्राण प्रजा पशु द्रव्य कीर्ति और ब्रह्मा ज्ञान को देने वाला बताया है। ये भी सही है, ठीक है सर। आप इसको रहने दे सकते हैं, जिसने लिख लिया है इसको वो इसको ही रहने दोगे, जो मेरे द्वारा बताया गया है उसको भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज, ठीक है। उसके बाद तीसरा, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है? आप इसमें लिख सकते हैं कि मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातः काल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी मधु और दधि की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक स्वादु तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होती है। जी का मतलब जी का मतलब क्लासरूम में मैंने बताया, जी का मतलब मन। यस ये तीसरे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे।
स्नेहलता आपने यही लिखा है? यस सर। ओके, अब है चौथे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर, स्वामी विरजानंद जी विरजानंद किस मंत्र का जप किया करते थे? वो इसमें किसके जगह पर गायत्री मंत्र लिख देंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। यस स्वामी, स्वामी विरजानंद गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। यस, स्वामी विरजानंद गायत्री मंत्र का जप किया करते थे, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। अब आइए पांचवे प्रश्न पर। महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? महात्मा आनंद स्वामी को या महात्मा आनंद स्वामी की बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे, घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे और उन्हें दूध जलेबी जो उन्हें विशेष प्रिय थी मिलने लगी। हो गया? यस सर, मेरा। आपने यही लिखा है? यस सर। चलिए, तो ये पांचों प्रश्नों के उत्तर हो गए। यस सर। कोई समस्या नजर आई? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। पाठ संख्या तीन पर आइए। आर समाज के नियम। आप लोग को पता है बेटा कि आर समाज के कितने नियम होते हैं? आर्य समाज क्या है ये पता है? नो सर। किसी को भी पता है तो हाथ खड़े कर सकते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ समझते हो किसको कहा जाता है? घर कैसे बनता है? घर कैसे बनता है? मिट्टी, सीमेंट, ये सब तो मकान बनता है, घर कैसे बनता है ये बताइए। घर बनता है जिसमें माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहे और वो घर बनता है। और नहीं तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, ये सब तो मकान बनता है, उसमें सदस्य रहेंगे, मेंबर रहेंगे, तब ना वो घर बनेगा। तो घर बनते हैं, परिवार उसमें रहते हैं तब, और कई लोग मिलेंगे तब एक परिवार बनता है। कई लोग मिलते हैं तो एक परिवार बनता है, और जब कई परिवार आपस में मिलते हैं तो एक समाज बनता है, और कई समाज आपस में आकर मिलते हैं तो एक राष्ट्र बनता है। राष्ट्र अर्थात एक देश बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो यही पर कहा है कि आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का समूह, वह आर्य समाज कहलाएगा। मेरी आवाज एकदम साफ है साक्षी कुमारी? आवाज आ रही है स्नेहलता? यस सर। उसका नेटवर्क खराब होगा इसलिए उसको आवाज नहीं आ रही। तो यहां पर कहा है सातवें से दसवें नियम तक, यानी कि सात से लेकर दस नियम तक आपको पढ़ने हैं। आर्य समाज जब बना तो उसने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया। पहले 28 नियम हुआ करते थे, ठीक है, उसको घटा दिया गया और घटाकर कुल मिलाकर 10 नियम अब रह गए हैं, यानी कि उन 28 नियमों को 10 नियम में बदल दिए गए। ठीक है बच्चों,
तो यही 10 नियम पहला दूसरा तीसरा आपने पहले पढ़ा होगा, सातवें से दसवें नियम तक अब आपको पढ़ने हैं, यानी कि सातवां नियम और उसके बाद दसवां नियम, 7, 8, 9, 10 ये कुल आपको 4 नियम अभी पढ़ने हैं। सारी नैतिक शिक्षा की जितनी भी किताब है उसके अंत में आर्य समाज के 10 नियम दिए रहते हैं, वो सारे बच्चों को याद करना चाहिए। लिखा है कि आर्य समाज के 10 नियम, आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्यों को कैसा आचरण करना चाहिए, यह पहले 6 नियमों में बताया गया है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। यानी ये जो 4 नियम हमारे संबंध है सामने है, इन नियमों में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार, हम समाज में किस तरह से रहे, हमारा व्यवहार क्या हो और उन लोगों से हमारे रिश्ते कैसे हो, इसके बारे में 4 नियमों में ये बताए गए हैं। बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आई सबको? पहला नियम कहता है, देखो यहाँ पर 4 नियम दिए हुए हैं। पहला नियम कहता है सबसे प्रीति पूर्वक धर्मा अनुसार यथा योग बरतना चाहिए सबके साथ। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो प्रीति पूर्वक हमें सबको साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। लेकिन प्रेम भाव भी कैसा? धर्म के अनुसार, यथा योग्य। या मान लो कि कोई आदमी कोई किसी को गाली दे रहा हो, कोई किसी को हमेशा सता रहा हो, तो उसके साथ भी प्रेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बताया है कि यथा योग बरतना चाहिए, जो जैसा जिसके साथ करे उसे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि कोई हमें गाली दे तो हम भी उसको उलट कर गाली दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हमें मारे तो हम भी उसको मारे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिससे हमारा काम भी हो जाए और उसको लगे भी कि उसने गलती की है और मेरे अंदर उसके प्रति नाराजगी है, नुकसान बिना किए हुए। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार, धर्म के अनुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। उसके बाद 8वां नियम कहता है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उसको समाप्त करके हम अपने अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को लाना चाहिए। यानी हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी के बारे में हमें क्या करना चाहिए? खोज करने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या अर्थात अज्ञानता को हमें मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना होगा, अपने अंदर लाना होगा। अब जैसे मान लो कि तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों का अभी कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, कोई बता सकता है? कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाहिएगा, बताइए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सब म्यूट है। रुको।
को अनम्यूट करता है तू। कौन बताना चाहेगा? सर डेपली अनम्यूट है। उसको अनम्यूट किया है। बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। खैर छोड़िए, अभी आप लोग का कर्तव्य क्या है? पढ़ना। पढ़ने के साथ साथ अपने माँ बाप की सेवा करना, समझे? अभी क्या है आप लोगों का कर्तव्य? पढ़ना और अपने माँ बाप की सेवा करना, उनकी बातों को मानना, ये अभी आपका कर्तव्य है, ठीक है? ये अभी आपका कर्तव्य बनता है, ये आप ऐसा करें, ठीक है? उसके बाद नौवा नियम कहता है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मान लो कि कोई तुम्हारे घर में दो तीन भाई बहन है, किसी के लिए कपड़ा आया, मान लो किसी के लिए नहीं आ पाया, तो जिसके लिए आया वो पहन के पूरा इतरा रहा है, जिसका नहीं आया उसको चिढ़ा रहा है, ऐसा होता है ना कि देखो मेरे लिए आ गया तुम्हारे लिए नहीं ना आया। तो इसीलिए कहा है कि अपनी उन्नति में हमें खुश नहीं रखना चाहिए, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपने से जुड़े हर लोगों के लिए उन्नति हो ऐसा विचार हमें करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मान लो कि कोई फर्स्ट डिविजन पास हो गया, कोई फर्स्ट लाया, अच्छा नंबर लाया, और कोई कम लाया, तो ऐसा नहीं कि उसको देख के जलने लगे, उसकी खुशी में भी हमें खुशी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दसवां नियम कहता है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम करने में स्वतंत्र। सामाजिक और सर्वहितकारी नियम, ऐसा काम जो समाज के लिए हो, सभी की भलाई के लिए हो, तो ऐसे काम करने में आदमी परतंत्र रहता है। लेकिन जिससे हर लोगों की भलाई हो ऐसा काम करने में वह स्वतंत्र रहता है, उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई स्नेहलता? अब इसका अर्थ समझो। जैसे मान लो कि कोई शराब बेचता है, तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है वो? नो सर। अपने लिए तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यदि कोई डॉक्टर है और डॉक्टर किसी का ऑपरेशन किया, तो उसने समाज के लिए अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा। अच्छा काम किया, लेकिन वो भी तो किसी की हत्या कर सकता था। यस सर। लेकिन उसने जो ऑपरेशन किया है, ऑपरेट किसी को किया है, तो उसके जान बचाने के लिए किया है, तो वो हितकारी नियम में आएगा। वहां पर डॉक्टर स्वतंत्र है कि किसी मरीज को कैसे बचाया जाए, उस स्थिति में वो कैसे ऑपरेशन करें, वहां पर वो स्वतंत्र है। लेकिन कोई दारू बेचने वाला है जिससे समाज की भलाई नहीं हो रही है, तो ऐसे काम करने में लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है? यस सर।